द्वितीय दिन में माँ भगवती का ब्रह्मचारिणी रूप होता है। देखिए बहुत काल कम उम्र में 8 वर्ष भवेत कन्या, 8 वर्ष के बाद भगवती ने शिव आराधन प्रारंभ कर दिया था। उसके बाद उन्होंने तप चालू किया। जब गिरिराज की पुत्री तप के प्रभाव में आई तो उन्होंने ब्रह्मचारिणी का रूप धारण किया। बड़ा ही सौम्य स्वरूप, 2 हाथ, साधारण वस्त्र, और साधारण वस्त्र में धोत वस्त्र किसी भी तरह मान लें, वैसे श्वेत ही है, श्वेत में मद भी हो सकता है कलर, और उनके लिए प्रिय है साधारण सा स्वरूप, माला हाथ में और कमंडल धारण किए रहती हैं। रुचिकर उनको एकांत का वास, एकांत में समर्पण, जो आह्लादित करने वाला और हमारे मन में सात्विक गुण को प्रवर्तन करने वाला प्रसाद है, जैसे तिल है, साधारण सा भोज्य है, फल है, सूखे मेवा है, या जो भी वन अन्न के अलावा है जिनसे प्रमाद उत्पन्न नहीं होता, ऐसे पदार्थ भगवती को अर्पण करना ही रुचिकर है। और वैसे ही पुष्प, जैसे मंदार पुष्प हो गया, जैसे हमारे लिए बेला का फूल हो गया जिनकी सुगंध से मन में एक शांति सी आए, या श्वेत पुष्प कोई हो गए, या अपराजिता जिनका वो स्वयं स्वरूप है। द्वितीय ब्रह्मचारिणी, ब्रह्मचारिणी का मतलब है ब्रह्म रूपाय वै देवः, ब्रह्म रूपाय शक्तितः, निर्गुणम निर्विकारः च निराकारः स्वरूपतः। आपका अद्वैत रूप है माँ, आप का जो नवारण मंत्र है वो 9 गुणों से युक्त है, आप उसके द्वारा ओंकार में आप प्रतिष्ठित हैं, इसलिए ओंकार स्वरूप में ओंकाराय ओम ब्रह्मचारिणी नमः ऐसा कहकर साधारण शब्दों में आवाहन करें।